नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं किसके करंट अफेयर की सीरीज के लिए। आपको पता है कि अवार्ड्स एंड ऑनर के हमने दो वीडियोस के बारे में बात कर ली है। ये अवार्ड्स एंड ऑनर का रिलेशन में आपका तीसरा वीडियो है, जो एक तरह से जितने भी आपके रिसेंटली इंपॉर्टेंट अवार्ड हुए हैं जिससे आपके एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर के लेकर के आए हैं और उन प्रश्नों को टैकल किया गया है हमने यहाँ पे इन सारे वीडियोस के माध्यम से। जो हमारी चौथी सीरीज होगी वो आपके खेल पर होगी। टोटली आपके जितने खेल अवार्ड्स हैं, जितने खेल पुरस्कार हैं, उन खेल पुरस्कार को एक जगह कंपाइलेशन करके आपको पूरी जगह की वीडियो दी जाएगी। पहले आज हम बात कर लेते हैं ये जो सीरीज की आपके अवार्ड्स एंड ऑनर की सीरीज नंबर 3 है, जो इस रिलेशन में आपकी आखिरी वीडियो है। और उसके बाद मैं बात करूं जो आपका एक होगा जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, किसके बारे में, वो था आपका खेल पुरस्कार। तो कल हम खेल पुरस्कार के बारे में भी इस चीजों को समझेंगे, खेल पुरस्कार के बारे में भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये सीरीज का ये पहला पुरस्कार, जिसमें आपके वीडियो नंबर 3 में जो पहला पुरस्कार है आपने देखा यहाँ पे रैमन मैगसेसे पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जिसके बारे में बहुत हर साल लगभग ये दिया ही जाता है। और आपको पता है कि इसे एशिया का नोवेल भी कहा जाता है, एशिया के नोवेल के रूप में भी इसे जाना जाता है और एशिया के नोवेल के रूप में भी इसे समझा जाता है। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बेसिकली आपका फिलीपींस के राष्ट्रपति जो थे ना रैमन मैगसेसे, उनके नाम पर ये अवार्ड को क्या किया गया था, इनके नाम पर ये अवार्ड को घोषित किया गया था, मतलब उनके नाम पर ये अवार्ड को दिया जाता है। बेसिकली 1957 में इस चीज की शुरुआत हुई थी, आपको पता है। ठीक है, जो आपके अगर मैं बताऊं सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में जो भी आदमी अच्छा काम करता है उन्हें दिया जाता है एशिया का नोबेल। आपको पता ही कि इसे एशिया के नोबेल के रूप में जाना जाता है। बेसिकली आपके 6 क्षेत्रों में इसको भी दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र आपके यहाँ पे सामने हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं सामुदायिक नेतृत्व की या फिर पत्रकारिता या साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है ये अवार्ड। इसी तरह से आपके सरकारी सेवा के लिए आपका जो आकस्मिक नेतृत्व होता है उसमें भी अवार्ड दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति के लिए और सार्वजनिक सेवाओं में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सारी चीजें दी जाती हैं। जो भी आपकी ये अवार्ड है इन 6 क्षेत्रों के अलावा, ये जो रिसेंटली अभी अवार्ड हुआ है ना, ये अवार्ड जो दिया गया है वो आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को दिया गया है 26 अप्रैल 2023 को। 26 अप्रैल 2023 को जो अवार्ड दिया गया वो तिब्बतियन आपके आध्यात्मिक गुरु हैं उनके रिलेशन में ये दिया गया अवार्ड। उनको क्या किया गया, उनको ये रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया 26 अप्रैल 2023 को। अगर मैं भारतीयों के परफॉर्मेंस की बात करूं तो बेसिकली आपको बताया जाए तो 51 लोगों को अभी तक ये भारतीयों को अवार्ड दिया जा चुका है रैमन मैगसेसे। रिसेंटली में अभी मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि 2019 में रवीश कुमार को ये अवार्ड दिया गया था। और सबसे पहले जो इस अवार्ड को पाने वाले थे वो थे आपके कौन, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो ये अवार्ड से आप रिलेशन में याद कर लेंगे। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस तरह से हम लोगों को जिस तरह से मैं बताते हुए चल रहा हूं, कोई भी अवार्ड है उसकी एक मूलभूत आधारभूत क्या होगी संरचना, उसकी क्या बेसिक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को लेते हुए मैं चल रहा हूं और उस पर जो रिसेंटली अवार्ड जिन्होंने पाया उन अवार्ड्स को भी मैं यहां टैकल करते हुए चल रहा हूं। चलिए, दूसरा जो आपका अवार्ड है वो प्रवासी भारतीय सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पे यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है। ये बेसिकली आपका ये जो अवार्ड था वो 17वां संस्करण था। ये कौन सा अवार्ड था, ये 17वां संस्करण था जो अभी रिसेंटली दिया गया है। अगर प्रवासी भारतीयों के बारे में मैं बात करूं, प्रवासी भारतीय बेसिकली आपको जब गांधी जी अफ्रीका से वापस लौट के आए थे भारत, उनके एक तरह से उन्हीं को एक आधार उनको आधार मान के ये अवार्ड को दिया जाता है। और अगर इनकी बात करूं मैं तो ध्यान रखेंगे इस अवार्ड का ये 17वां संस्करण था जो अभी आपका रिसेंटली हुआ प्रवासी भारतीय सम्मेलन में। और ध्यान रखेंगे ये आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। बहुत बार पूछा भी जाता है कहाँ पे इसकी जगह कहाँ पे होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के इंदौर में दिया गया है। और ध्यान रखेंगे इसके थीम को याद करेंगे, थीम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम भी कई बार आपके कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो ये आपके अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी जो होता है इसी के विषय में इसका थीम था। तो आगे चलेंगे, ये ध्यान रखेंगे प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के आधार पर ये अवार्ड घोषित किया जाता है। जो आपके जो एनआरआईज हैं बेसिकली प्रवासी भारतीय जो हैं जो कहीं और प्रवास कर रहे हैं उनके उत्कृष्ट योगदान किसी एक क्षेत्र में विशेष उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली मुख्य तौर पे मैं बता दूं आपको ध्यान रखना है
कि अगर मैं बताऊं राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, और थोड़ा सा ध्यान रखना उनके उत्कृष्ट योगदान, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स होते हैं उनके लिए, उनके लिए अवार्ड दिया जाता है जो असाधारण योगदान है। अगर मैं प्रवासी भारतीय सम्मान की बात करूं कि इसकी क्या होती है सिलेक्शन प्रोसेस, इसको सिलेक्शन प्रोसेस करने के लिए क्या क्या चीजें होती है, तो उसके बारे में जान लें। प्रवासी भारतीय सम्मान जो होता है उनमें उसका चयन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं उसके, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। और उनमें क्या होता है, एक विदेश मंत्री जो होते हैं, विदेश मंत्री अपने भारत के, अभी तो वर्तमान में एस जयशंकर जी हैं, तो उनका क्या होता है, उन वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और इनकी जो समिति के सदस्य होते हैं ना, अन्य अलग अलग जगह से, भिन्न भिन्न जगहों से, और भिन्न भिन्न उनका पेशा भी होता है, उसके बारे में बताया जाता है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे चयन समिति जिसका नाम, जिसके नामांकन पर विचार करती है, सर्वसम्मत से उनके नाम को चुना जाता है और उनको अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली ध्यान रखेंगे इतने लोग हैं अवार्ड पाने वाले, इनमें आपको जो इम्पोर्टेंट है ना, ये आपको मुख्य राष्ट्रपति, मुख्य जो गुयाना के राष्ट्रपति है ना मोहम्मद इरफान अली, इनको याद रखना है। और सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये लिस्ट आपको मिल जा रही है, इस लिस्ट को देख करके आप इन चीज को अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो इन चीज को पढ़ सकते हैं। सामुदायिक कल्याण में दिया गया है इतने लोगों को, सामुदायिक कल्याण तथा मेडिसिन में इतने लोगों को, सामुदायिक कल्याण तथा व्यापार में इतने लोगों को दिया गया है। इसी तरह से आपको बताएं विज्ञान तकनीकी और शिक्षा में इतने लोगों को दिया गया। शिक्षा में आपके थोड़ा सा संजीव मेहता को देख लेंगे, ये आपका देख लेंगे भूटान के हैं, इनको भी पूछा गया। शिक्षा तथा सामुदायिक कल्याण में इतने लोगों को, कला संस्कृति बाकी सारी चीजें यही हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट जानना चाहते हैं तो इनको देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बताऊं तो आपके गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को, और सूरीनाम के राष्ट्रपति क्या हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी को ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली ये मुख्य रूप से हैं, इनको याद रखना आप। अगर मैं बात करूं गणतंत्र पुरस्कार की, तो गणतंत्र पुरस्कार में गणतंत्र दिवस पे जो आते हैं ना मुख्य अतिथि के रूप में, उनको भी, जो हमारे प्रवासी भारतीय होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली ध्यान रखना प्रवासी भारतीय में उनको ये भी अवार्ड दिया जाता है। ये बेसिकली आपका कर्तव्य पद पर 74वें गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, ये आपको पता ही है। अभी इसमें क्या करें, उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। उत्तराखंड की झांकी जो है ना, उसको टैबल्यू जिसे कहते हैं, टैबल्यू होता है उसको, अगर इंग्लिश में कहें झांकी को टैबल्यू कहते हैं, उस झांकी को बेस्ट अवार्ड के रूप में दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसको बेस्ट झांकी के पुरस्कार में अवार्ड से नवाजा गया है। ये अगर मैं बात करूं इसमें तीसरे नंबर पर, अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर यूपी की झांकी को रखा गया है। थर्ड नंबर पर यूपी की झांकी थी, इस बात को एक एडिशनल जानकारी में आप रख लेंगे, यूपी के एग्जाम में भी पूछ सकता है। अगर मैं बताऊं तो तीनों सेनाओं में जो है ना, वो आपका पंजाब रेजिमेंट जो होता है, पंजाब रेजिमेंट आपके आर्मी का एक रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड मिला। और ध्यान रखेंगे ये सीएपीएफ, जो सीआरपीएफ आपके सीआरपीएफ के सीएपीएफ कम आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो होता है, इसके बारे में अन्य सहायक बलों के बीच जो सीआरपीएफ को, सीएपीएफ जो होता है आपका, उनके बीच में क्या हुआ, आपका सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का जो अवार्ड मिला वो आपको सीआरपीएफ को मिला, इस बात का ध्यान रखेंगे, सीआरपीएफ को दिया गया। और ध्यान रखेंगे वीरता पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जिसमें दो जवानों को कीर्ति चक्र दिया गया है और सात को शौर्य चक्र के बारे में भी उसी दिन नवाजा गया है। कीर्ति चक्र पाने वाले आपके मेजर शुभांग और नायक जितेंद्र सिंह को याद रखेंगे आप, बाकी शौर्य चक्र पाने वाले आपके यहाँ पे पीडीएफ में है, आप इस चीज को देख लेंगे, आपको अगर एक्स्ट्रा जानना होगा तो। चलिए मिस यूनिवर्स ब्रह्मांड सुंदरी, अगर मैं बताऊं तो 1952 में कैलिफोर्निया में एक कपड़ा कंपनी थी, मिल्क कपड़ा कंपनी जो आपको कह सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे पैसिफिक मिल्स द्वारा इस चीज का आयोजन शुरू हुआ। मतलब 1952 में मिस यूनिवर्स को शुरू करने का काम जो किया गया वो कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2023 था ना, वो 72nd जो आपका ना 72 नंबर का क्या था, वो आपका संस्करण था। इसका आयोजन अल सल्वाडोर में किया गया, अल सल्वाडोर याद रखेंगे इस चीज को। और ध्यान रखेंगे 86 सुंदरियों ने इसमें भाग लिया था, आपको पता है यूनिवर्स के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग स्त्रियां आती हैं और उनमें जो सबसे बेस्ट अवार्ड पाया जाता है उनमें ध्यान रखेंगे आर बोनी गैब्रियल जो थी ना उनको मिला हुआ मिस यूनिवर्स का खिताब।
आर गैब्रियल, आर बोनी गैब्रियल को मिला हुआ है। और इसके पहले भी आपको पता है कि 2022 में हरनाज सिंधु अपने भारत की थी, जिन्होंने ये अवार्ड जीता हुआ है, उन्होंने इसको इनको ताज पहनाया है। इस बारे में एडिशनल जानकारी आप ध्यान रखेंगे, इस नाम को याद रखेंगे, आर बोनी गैब्रियल को। चलें आगे, अगर मैं बात करूं मिस इंडिया की, तो आपको पता है कि मिस इंडिया भारत में आयोजित हर साल एक प्रतियोगिता होती है विश्व सुंदरियों की, तो विश्व सुंदरी नहीं, इंडिया के सुंदरियों की जो एक क्वालिफिकेशन होता है आगे जाकर के, जो आगे जाकर के एक क्वालिफिकेशन होता है कि यही सुंदरी आगे जाकर के क्या होती है वहां पे मिस यूनिवर्स में क्वालिफाइंग राउंड होता है एक तरह से बेसिकली। तो ये जो जीती है इस समय राजस्थान की है, कौन, राजस्थान की अगर मैं बात करूं नंदिनी गुप्ता, नंदिनी गुप्ता ने इस अवार्ड को जीता है। और इसे आप ध्यान रखेंगे मिस इंडिया या इसको फेमिना मिस इंडिया दोनों बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक, ये अवार्ड दिया जाता है हर बार, हर साल की तरह, ध्यान रखेंगे। ये जो संस्करण था 2023 वाला वो 59th नंबर का था, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, हर बार की तरह इस बार भी इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है, यानी पहले रंग पे हर बार की तरह इस बार भी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में कौन आया है, इंदौर आया है। ध्यान रखेंगे देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पूर्ण रूप से स्वच्छ और स्वच्छ रखने के उद्देश्य से जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी थे ना, हरदीप सिंह पुरी 2016 में केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने एक अवार्ड की शुरुआत की। किस अवार्ड की शुरुआत की, ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, जो आपके हर एक तरीके से हर स्टेट के कोई भी आपके शहरी या ग्रामीण कोई भी इलाका जो है वो अगर स्वच्छता का मतलब एक पैमाना पार कर जाता है, उस पैमाने के आधार पर इसको अवार्ड से नवाजा जाता है। चलिए देखूं मैं इसमें, मैं बता दूं तो ये लिस्ट है आपका, रैंकिंग है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में, जो रैंकिंग है पहली रैंकिंग है आपकी इंदौर की, दूसरी आपकी सूरत की, तीसरी आपकी नवी मुंबई की, और अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी का नंबर जरूर याद रख लेंगे, जो लखनऊ है वो आपके 17वें स्थान पर आया है। कितने नंबर में, 20 आपके 20 शहरों में 17वें नंबर पे आपका कौन सा आया है, लखनऊ आया है। और अंतिम स्थान किसका पाया गया है, नासिक का, ठीक है, इस बारे में ध्यान रखेंगे। 20th नंबर पे कौन था आपका, 20th नंबर पे आपका था नासिक। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, जिसको एक अलग शब्दों में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का यह बहुत ही ज्यादा सर्वोच्च सम्मान है। ये जो इस बार जो दिया गया है, ये आपके मशहूर बिजनेसमैन आपको पता है रतन टाटा जी, इनको ये अवार्ड दिया गया है, इनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। तो इनको देखा जाए, भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में इनका बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है, इन्होंने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड इस बार का जीता है 2023 का, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, रतन टाटा को मिला है। बात करें वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार को अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, दीपिका मिश्रा, इस बात को आप नाम को याद रखेंगे, दीपिका मिश्रा जो पहली महिला हैं जिन्होंने वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, पहली महिला वायुसेना अधिकारी ध्यान रखेंगे, इन्हें अवार्ड दिया गया है, इस चीज के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब आगे करा जाए तो इसमें कोई बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है नहीं, आप इस चीज को याद रखेंगे दीपिका मिश्रा को, बाकी ये आपके पास रहे। एक ग्रीन सिटी, वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड इस बार हैदराबाद ने जीता, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पूरे वर्ल्ड की सिटीज के बारे में बात बताई जाती है, और उसमें जो अच्छा आपका ग्रीन सिटी अवार्ड के रूप में जो दिया जाता है वो बेसिकली आपका हैदराबाद ने इस बार जीता है, ये हैदराबाद आपका आंसर होगा। तो चलिए, ये आपके अवार्ड्स के सीरीज के लास्ट सेशन रहा है, इसके बाद मैं खेल पुरस्कार का एक अगली वीडियो, खेल पुरस्कार पे सारे वीडियोस को एक जगह कंपाइल करके मैं बता दूंगा उसके बाद, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।